बंधन रे बंधा ओम साई प्रेम भक्ति रे छंदा ओम साई घटरे घटरे श्री साई कमल माटी पालटी छी निर्माल्य ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य। ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव भरा आम अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्यर श्रद्धार परिसर को आपण मान को पाछटी नौछु। गुरु चरण से शत शत प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम करे भक्त आउ गाइब से न गुरु राधिकां तत्त्वं न गुरु राधिकां तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। से ब्रह्मा से विष्णु महेश्वर तांकरि पाखरे सबु किछि सबकल शक्तिर आधार से गुरुंक पाखरे प्रणति जणै चलंत आरंभ करिबा श्री गुरु भागवत। ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। श्रीगुरु भागवतर अमृतमय धाड़ी भितर जहाँ किसी खंजा होा कि लुकायत हो महक को आपण मैंने निश्चय आपणार करेंगे। कथा तो कह बसिले असरती कथा किसी कथा को सहायता ही रखाई सी बाट देख बाट देख आम भंधकार चलुवा मनीष मान आम भ्रमें पड़ा
भौरी रे पड़ीथिबा मनीष मानको श्री साई सच्चरित मुहिद्दीन तंबोलिंग को सह कुश्ती युद्ध एवं बाबांकर जीवनशैली परिवर्तन शिरडी रे मुहिद्दीन तंबोली नामक एक मल्ल योद्धा रहुथिले बाबा और मुहिद्दीन तंबोली के मध्य कौन सी विषय में मतांतर हेला एवं दुहिंग भितर कुश्ती युद्ध आरंभ हो गला। यह युद्ध रे बाबा परास्त हेले या परे बाबा निजर पोशाक और जीवनशैली संपूर्ण रूप से बदलाई देले। से देहरे काफिन अंटारे लेंगुटी एवं मस्तकरे गोटे कपड़ा परिधान करिया को लागिले। निजर आसन एवं सज्जा पाई से दुईटा कपड़ा रखुथिले एवं निजे छिन्न वस्त्र परिधान करुथिले। से सबुबले कहुथिले दारिद्र्य ही राजत्व एवं प्रभुत्व दुहिंक ठारु श्रेष्ठकर। गंगागिर मध्य कुश्ती युद्ध करिया को भल पाउथिले। थरे कुश्ती युद्ध करुथिया समय रे तांक मनरे मध्य यहीपरि एक वैराग्य चिंताधारा उद्रेक होता एवं भीत समय ईश्वरवाणी है प्रभु लीला खेल अथवा सेवारे निजर शरीर को लगे ही श्रेयस्कर। एथिपाई से संसार वैराग्य हो ईश्वर साक्षात्कार व्रती हेले। से पुनतांबे नदीकूल एक मठ स्थापन करठारे निजर शिष्य मान बास कले। साई बाबा साधारणतः लोकों सह विशेष मिलामिशा करनुथिले केवल प्रश्न पचारे तहार उत्तर देउथिले। दिन बेले से निम्ब गछ मूळरे बा ग्राम निकटस्थ एक झरणा कूळरे थिबा अस्वस्थ गछ मूळरे बसी रहउथिले। अपराह्नरे से अनिर्दिष्ट भावरे भ्रमण करुथिले एवं नीमगांव पर्यंत चली जाउथिले। सेठारे से बाला साहेब डेंगलेंको घरकु प्रायत जाउथिले। बाबा बाला साहेबको अति स्नेह करुथिले। बाला साहेबकर भ्राता नाना साहेबकर द्वितीय विवाह सत्वे कौन सी पुत्र संतान नथिले। बाला साहेबकर प्रोच्छनारे नाना साहेब बाबांकर दर्शन लाभ कले एवं किछि दिन पर तांकर पुत्र जन्म हला। एही घटना परे बाबांकर ख्याति चतुर्दिगरे व्याप्त हला एवं अनेक भक्त विभिन्न स्थानरु बाबांकर दर्शन पई आसिबाकु लागिले। एही क्रमरे अहमदनगररु नाना साहेब चंद्रकर एवं केशव चिदंबरम एवं अन्य भक्त माने आसीथिले। दिन बेले भक्त मानक गहन रे एवं रात्रि रे देराजिन्न मस्जिद रो प्रांगण रे बाबा समय अतिवाहित करुथिले। बाबांकर सामग्री मध्य रे एक चिलम तमाखु एक टीण पात्र लंबा काफिन मुंडरे एक कपड़ा एक छोटो बाड़ी आदि थिला। मुंडरे बंधा होइथिबा धळा कनाटी जटपुरी बंधा होइ तांकर बाम कान पाख दि झुली रहउथिला। यह कपड़ाटी सप्ताह सप्ताह धरी सफा होनुथिला। बाबा पादरे जूता बा चप्पल पिंधुनुथिले एवं एक कौपनी परिधान करुथिले। शीतर निवारण पाई से दक्षिण दिग को मुह करी निजर बाम हाथ को पाखरे थिबा काठ बाड़ उपरे भार देई धुनी पाखरे बसी रहुथिले। मस्जिदटी दुईटी क्षुद्र प्रकोष्ठर आकार विशिष्ट थिला। 1912 मसीहारे मस्जिद्रे किछि परिवर्तन होइथिला। सही वर्ष मस्जिद्र जीर्णोद्धार करागला एवं एक पक्का रास्ता बनाए दियागला। यही मस्जिद को आसीबा पूर्वरु बाबा टाकिया नामक एक स्थान रहुथिले। सेठारे बाबा निज पादरे घुंगुर बांधी अति मधुर स्वर रे गीत गाई नृत्य करिवार मध्य प्रमाण रहिछि। श्री साई सच्चरित्र कथा आपणक मनकु केते प्रभावित करितेबो ताहा आपणकु जणा। तेबे खाली सुणि दे आनंद लभिले हबनी बाबांकु प्रणाम करिदेले हबनी। से जो बाटो आमकु देखैछन्ते जो इंगित देइछन्ते सेही सद्गुरुंकर इंगितकु आमे पाळिबा आउ आगकु बढ़िबा। मन केते कुआडे घूरी बुलुथाए हेले जेतेबेले आमे गोटे निर्दिष्ट कथा चिंता करू सेतेबेले मन केमिति स्थिर होइ जाए। साईंकर से करुणामय आखि से कृपा नेत्र को देखापी मन केबे केबे छुटी जाए मन केबे केबे व्याकु हुए। से नील आखिर नीलीमार हजिबापी से चाहणीर समुद्र रे टिके स्नान करने जदि एवं मन तेबे चलतु करवा शिरडी दर्शन। Oh, 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 oh
साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः पैसा ठीक करा हे जाए पर बाट सारा मीठा छाई श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट पक्षरु निर्मित एही प्रसादालय को एशिया महादेशर सर्वबृहत प्रसादालय बोली विवेचना करा जायथरे एठारे एककालीन 5,500 लोक बसिबा व्यवस्था रहिथा बेले दैनिक 100,000 लोक भोजन करि पारिबा सुविधा रहिछि सिरिडी को आसुथबा तीर्थयात्री मानंक खाइबा बाबदरे साई बाबा संस्थान कर्तृपक्ष वार्षिक हाराहारी 20 कोटी टंका खर्च करुथबा जणा जाय चबीश कोटी टंका व्ययरे निर्मित एही प्रसादालय को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल उद्घाटन करिथिले 7.5 एकर परिमित जमीरे 1,83,000 वर्ग फुट अंचल रे एही प्रसादालय निर्मित तल महलारे निर्मित प्रकांड प्रेक्षालय रे 3,500 व्यक्ति एकाठी बसिबा व्यवस्था होइछि ऊपर महलारे 1,000 लोक बसी पारिबा भली 2टी बड़ हॉल निर्मित होइछि श्रद्धारे हेई जाए सीना जीवन अमृतमय अमृत भावना एहार निर्माण रे अत्यंत आधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा जायछि साई को श्रद्धारे हेई जाए सीना जीवन अमृतमय अमृत भावना मने भरे सीना पॉलीकार्बोनेट ओ मैंगोलोरियन टाइल व्यवहार करे प्राकृतिक आलोक जेपरि एहा भितरे सबु समरे स्वच्छंदरे प्रवेश करि पारिबो सेहि भलि व्यवस्था करा जायछि भक्त मानक पाई रिहाती मूल्य रे एठारे प्रसाद जुगाई दिए थाए मात्र 10 टंका रे पेट पूरा खाइबा को दिया जाय थाए दिन 10:00 रु राती 10:00 पर्यंत जे कोनोसे समय रे पहुंचले भी प्रसाद मिली थाए प्रथम प्रसाद बाबा को नैवेद्य स्वरूप अर्पण करा जाय परे भक्त मानक परिवेषण करिबा आरंभ होई थाए ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वर साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वर साई नाम साधारणतः महाराष्ट्रीय शैली रे प्रसाद रे डाली रोटी दुई प्रकार तरकारी अन्न ओ मीठा आदि दिया जाय थाए गरीब ओ दुस्थ मानक पई स्वतंत्र प्रकोष्ठ रे प्रत्येह मागणा प्रसाद जोगाय दिया जाय थाए
महिमा तुमर सुदया टिकिए कर सोरा लोक व्यवहार करी प्रसाद प्रस्तुत होइथाय एवं पनीपरिवा आदि रखिबा पई प्रकांड रेफ्रिजरेटर मान प्रसादालय परिसर रे रहिछि एते संख्यक भक्तंक पई प्रसादर प्रत्यह व्यवस्था करजथुवारु आधुनिक यंत्रपाति मध्य बासन सफा करिबा रे व्यवहृत होइथाय खाद्य प्रस्तुति रे प्रत्यह शह शह लोक नियोजित होइथांदे केवल शहरु ऊर्ध लोक प्रत्यह आसी रुटी तयारी करिथांदे एते संख्यक लोकंको खाइबा व्यवस्था करिबा एक विराट कार्य होइथिबारु आवश्यक स्थले मेसिन रे मध्य व्यवहार करा जाइथाय शिरडी को आसुथबा कोनोसी व्यक्ति जेपरि भुकिला न रहंती ताहा उचि साई बाबा संस्थान रो लक्ष्य श्री साई बाबा जेतेबेले जीवित थिले निज हातरे अन्न व्यंजन रोषेइ करि तांकर भक्तमानंकु खाइबाकु दउथिले आजि मध्य सेहि आदर्शकु साई बाबा संस्थान कर्तृपक्ष पालन करिबारे लागिछन्ते सीढ़ी दर्शन करुथिबे एमिति आम कार्यक्रम रे साईं को कथा सुनुथिबे से साई रसर झरणा रे अवगाहन करुथिबे एमिति थिबे आम संगरे साईरा साई मांगल्य साई मांगल्य